नौतपा शुरू होने से पहले ही सतना का तापमान सामान्य से एक डिग्री ऊपर चल रहा है। बीते एक सप्ताह से लगातार शहर और ग्रामीण इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। बादलों के कारण उमस बढ़ गई है। आलम ये है कि तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को घरों से नहीं निकलने दे रही हैं। बीते दिन शहर का तापमान 42.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री अधिक बताया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आगामी एक माह तक लोगों को इसी तरह भीषण गर्मी से जूझना पड़ेगा। अभी मौसम साफ होने के बाद पश्चिमी विक्षोभ का जब असर समाप्त हुआ है, उसके बाद जब मौसम साफ हुआ तो उसके बाद से पारे में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और वह भी पारा 42.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है और आने वाले एक सप्ताह के अंत तक 45 डिग्री तक पारा पहुंचने की उम्मीद है। सड़कें मैं जैसे सुबह 11 बजे के बाद से सड़कें एकदम सूनी हो जाती हैं, लू के थपेड़ों के सोच होते जानते हवाएँ चलती हैं तो गर्म हवाएँ लोगों को महसूस होती हैं और लगभग शाम 6 बजे तक सड़कों में सन्नाटा छाया रहता है। 6 बजे के बाद ही बाज़ार में रौनक होती है। लोगों को बचना गर्म बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, पेय पदार्थ का तरल पदार्थ का ज़्यादा उपयोग करें और मुंह पे गमछा बांध के निकलें, फुल बांह के कपड़े पहनें और बहुत ही आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल जयंती एवं पन्ना गौरव दिवस के पावन शुभ अवसर पर धार्मिक एवं पर्यटन नगरी पन्ना पधार रहे आप समस्त सम्माननीय अतिथि जनों का सहृदय स्वागत वंदन अभिनंदन। इस अवसर पर सम्माननीय अतिथि जनों के कर कमलों से रेलवे स्टेशन पन्ना व कृषि महाविद्यालय पन्ना का भूमि पूजन सम्पन्न होगा। आपके शुभ आगमन से हम समस्त पन्ना वासी गौरवान्वित हैं। निवेदक विधानसभा 60 पन्ना के समस्त भाजपा कार्यकर्ता।